हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ इंट्राडे टिप्स एंड कम्युनिकेशन के साथ दोस्तों आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, डेली बेसिस की तरह दो बेहतरीन स्टॉक आज भी लेके आए हूं दोस्तों, जो कल की डेट में आप लोगों को काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करके देने वाले हैं। कल है इस हफ्ते का दोस्तों लास्ट डे, ठीक है। कल है मार्केट का मोमेंटम वाला डे, क्योंकि कल आने वाली RBI की मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो सोच समझ के ट्रेडिंग करिएगा मार्केट में। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को टेक्निकल व्यू के अकॉर्डिंग मार्केट में जो स्टॉक प्रोवाइड कर रहा हूँ वो बताऊंगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दोस्तों आप लोगों को सीखने को मिलेगी, कुछ चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर नॉलेजेबल वाली होने वाली हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही बोलेंगे, प्रॉफिट गुरु चैनल पर अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके जाइए दोस्तों। वीडियो पसंद आ रहा, वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों ऐप स्टॉक, एंजल ब्रोकिंग और LIS ब्लू का डीमेट अकाउंट का लिंक दिया है, वहाँ पर जाइए, फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करिए और हमारे साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन में भरपूर ट्रेडिंग करिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मार्केट अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। आज आप देख सकते हो दोस्तों, मार्केट में आज भी हमें ऑल टाइम हाई लगते हुए देखने को मिला। मार्केट ऑल टाइम हाई के करीब ही बंद हुआ है, 15,690 के पास। अगर आप देखेंगे 35 स्टॉक ऐसे थे जो पॉजिटिव थे, 14 स्टॉक नेगेटिव देखने को मिले और एक स्टॉक अनचेंज है, ठीक है, जिसमें से आप टॉप गेनर की लिस्ट चेक कर सकते हो, यहाँ पर टॉप लूजर की लिस्ट भी देख सकते हो। तो इन्हीं में से दो बेहतरीन स्टॉक है जो कल की डेट में आप लोगों को परफॉर्मेंस करके देने वाले। तो चलिए जो फर्स्ट स्टॉक है उसके ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों, जो फर्स्ट कंपनी है वो जस्ट डायल लिमिटेड, ठीक है। इस कंपनी की अगर मैं बात करता हूँ आज के परफॉर्मेंस की, तो लगभग 1% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ है, 932 रुपये के आसपास। प्रीवियस क्लोज की अगर मैं बात करता हूँ 940 रुपये 35 पैसे। स्टॉक ओपन हुआ दोस्तों 950 रुपये, मतलब गैप अप ओपनिंग लिए अच्छा खासा। हाई लगाता है 964 रुपये 60 पैसे और लो लगाता है दोस्तों 926 रुपये। देखा जाए तो दोस्तों, स्टॉक में आज की डेट में अगर लो से अगर हम हाई को कंपेयर करें तो पूरे 40 पॉइंट का मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ आप देख सकते हो ट्रेड वॉल्यूम नंबर ऑफ शेयर की मैं बात करता हूं तो लगभग दोस्तों 25,47,000 क्वांटिटी का यहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। 52 वीक का हाई देन 52 वीक का लो आप यहाँ पर देख के चल सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों ये स्टॉक आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन हो सकता है। अगर आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए इसमें पोजिशन नहीं बनाया तो दोस्तों आँख बंद करके बना सकते हो, ठीक है। इसके बारे में हमने बहुत बार आप लोगों को अपडेट भी किया है और आज इंट्राडे में भी ये प्रोवाइड कर रहे हैं कल के लिए। आज का डिलीवरी पैटर्न देख सकते हो लगभग दोस्तों 20.47% का है। क्वांटिटी अगर आप देखेंगे तो 5,21,000 देखने को मिल रही है। मतलब दोस्तों जस्ट डायल का जो परफॉर्मेंस है इंट्राडे का वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। अब अपन चलते दोस्तों इसके टेक्निकल व्यू पे, कल के लिए क्या मोमेंटम मिलेगा ये देख लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो जो जस्ट डायल का चार्ट पैटर्न है, हमने आप लोगों के सामने ओपन किया है। लगभग 2 तारीख से चार्ट पैटर्न हम आप लोगों को अपडेट करेंगे। लगभग यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो ये 940 रुपये के लेवल से उठना चालू हुआ था, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले गिरावट आती है, फिर उसके बाद ही यहाँ पर उठना चालू होता है और वो दोस्तों लगभग 2 तारीख मतलब कल की डेट में ही ये कहाँ पर पहुँच जाता है, लगभग दोस्तों 1,000 रुपये के लेवल के ऊपर पहुँच जाता है। मतलब कल की डेट में इस स्टॉक में बहुत बड़ी मूव हमें देखने को मिली थी दोस्तों स्टॉक में, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग, बाइंग प्रॉफिट बुकिंग, बाइंग प्रॉफिट बुकिंग, फिर बाइंग, ठीक है, बाइंग यहाँ तक होती है। आप देख सकते हो चार्ट पैटर्न नॉर्मली बन रहा है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को पता है कि स्टॉक में कंटिन्यूसली कभी ही प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो सकती दोस्तों, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है। आप अगर देखेंगे तो बाइंग भी दोस्तों एकदम कंटिन्यू इस स्टॉक में बिल्कुल भी नहीं चलेगी, ठीक है। आप लोगों को लगता है 1 से 2 कैंडल देख लीजिए कि हाँ प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई तो आप इजीली स्टॉक को शॉर्ट सेल कर सकते हो इंट्राडे में, देन आराम से 10 से 15 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो, आप देख सकते हो। फिर आप लोगों को लगता है कि 1 से 2 कैंडल का वेट करिए, आराम से अगर बाइंग हो रही है तो यहाँ पर बाइंग दिख जाएगी, ठीक है, और फिर प्रॉफिट बुकिंग फिर बाइंग, ये 2 तरीका परफॉर्मेंस है, ठीक है। लेकिन आज का अगर परफॉर्मेंस देखें तो आज का परफॉर्मेंस क्या, आज का परफॉर्मेंस दोस्तों बाइंग होता है, बाइंग मतलब ये लेवल तक लगभग 960 रुपये के लेवल तक, देन कंटिन्यू स्टॉक में फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है। देखिए प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू बिल्कुल भी नहीं रहती, कहीं कहीं प्रॉफिट बुकिंग आती है, यहाँ पर स्टेबल होता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, यहाँ पर स्टेबल होता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग आता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग होती है और फिर स्टॉक में क्या होता है दोस्तों, एक बाइंग के साथ वो क्लोजिंग देता है, ठीक है। वैसे तो ये कैंडल है लेकिन इस कैंडल्स में कुछ भी मोमेंटम हमें नहीं दिख रहा है। तो ये कैंडल्स में जो हमें जोरदार मोमेंटम दिख रहा है वो ये सब कैंडल से काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो यही कैंडल स्टॉक को कल की डेट में भी ऊपर लेके जाएगी। तो चलिए इसका लेवल आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को
कुछ ना कुछ यहाँ पर सीखने को मिला होगा। अगर कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा दोस्तों, और जो लेवल देना उसको नोट करके चलेगा। कल की डेट में अगर आप इस स्टॉक को बाय करते हो तो लगभग दोस्तों 938 रुपये से बाय करिएगा, ठीक है। टारगेट की अगर मैं बात करता हूँ तो 948 रुपये, मतलब 10 पॉइंट का टारगेट लेके चलेगा। बाकी नीचे जो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया टेलीग्राम का, वहाँ पर आप लोगों को सभी चीज़ें अपडेट करते हैं, तो आप जाके ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर आप लोगों को निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन के लेवल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। देन उसी के साथ साथ दोस्तों हम आप लोगों को बताते हैं इसका एसएल। तो जो आप लोगों के लिए एसएल देगा दोस्तों वो रहेगा लगभग 933 रुपये का, मतलब आप लोगों के लिए 5 पॉइंट का एसएल है और 10 पॉइंट का टारगेट है जस्ट डायल का। जस्ट डायल को कल की डेट में बाय करके चलना है। अब चलते हैं सेकेंड स्टॉक के ऊपर। दोस्तों सेकेंड स्टॉक है आप लोगों के लिए अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेशन लिमिटेड, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करता हूँ, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है। आज की डेट में ये स्टॉक में 4.5% की तेजी देखने को मिली, लगभग 150 पॉइंट की, 3420 रुपये के आसपास ये स्टॉक क्लोज हुआ है। प्रीवियस क्लोज था 3273.60 रुपये, गैप डाउन ओपनिंग होता है 3271 रुपये, लेकिन आई स्टॉक आई लगाता है अपना ऑल टाइम का 52 वीक का 3435 रुपये का, और लो लगाता है दोस्तों 3267 रुपये का, ठीक है। उसी के साथ साथ वॉल्यूम अगर मैं बात करता हूं तो लगभग 11 लाख क्वांटिटी का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। 52 वीक का हाई देख सकते हो, 52 वीक का लो देख सकते हो, और टाइम फ्रेम भी देख सकते हो टाइम फ्रेम क्या है, ठीक है। महीना सेम है दोस्तों, लेकिन साल एक साल आगे पीछे है, ठीक है। देन उसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ कि ये स्टॉक में आज के दिन डिलीवरी पैटर्न कितना है, तो लगभग दोस्तों 26.75% का क्वांटिटी आप देख सकते हो, 2,93,000 क्वांटिटी देखने को मिल रही है। मतलब दोस्तों अपोलो हॉस्पिटल ने आज इंट्राडे में काफ़ी जोरदार परफॉर्मेंस किया है, ठीक है। अब चलते हैं इसके टेक्निकल व्यू पर, कल के लिए क्या मोमेंटम मिलता है ये देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे अपोलो हॉस्पिटल में एक बार वन साइडेड तेजी देखने को मिल रही है, ठीक है। लगभग 31 तारीख का अगर मैं चार्ट पैटर्न अपडेट करता हूं तो लगभग दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो 3100 रुपये के लेवल से ये स्टॉक में वन साइडेड हमें तेजी देखने को मिल रही है, कंटिन्यूसली तेजी। एक तारीख के दिन भी अगर आप देखेंगे ना, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, वो प्रॉफिट बुकिंग हुई थी दोस्तों लगभग 3220 रुपये के लेवल से, और वो प्रॉफिट बुकिंग होती लगभग 3150 रुपये के लेवल से। वहीं से स्टॉक बाइंग आता है, और बाइंग कहाँ तक जाती है लगभग दोस्तों 3280 रुपये के लेवल तक, फिर वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आता है तो लगभग 3220 रुपये के लेवल तक फिर प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर बाइंग होती है, फिर बाइंग के बाद अगर आप देखेंगे दोस्तों तो अच्छी खासी मोमेंटम, और आज के दिन भी अच्छी खासी मोमेंटम। मतलब दोस्तों इसमें हमें ज़्यादा कुछ रिसर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो चार्ट पैटर्न है वो अभी बिल्कुल भी प्रॉफिट बुकिंग के लायक नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसमें अगर छोटा मोटा करेक्शन भी आता है ना तो दोस्तों उम्मीद से बहुत कम आएगा, ठीक है। आएगा भी ना तो लगभग 20-30-50 पॉइंट का आएगा, देन उसके बाद स्टॉक में एक बार फिर से रिकवरी आएगी, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आया, आता तो यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग आ जाता, यहाँ पर भी आ जाता, देन अगर देखते तो यहाँ पर भी एक बड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता था, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखने को मिला अपोलो हॉस्पिटल के स्टॉक पर, ठीक है। तो आप लोगों को दोस्तों ये चीज़ भी ध्यान रखना चाहिए कि कंटिन्यूसली दोस्तों अगर वन साइडेड मूवमेंट किसी भी स्टॉक में दिखता है लगभग 4 से 5 दिन के चार्ट पैटर्न पे, ठीक है, बड़ा टाइम फ्रेम लीजिए, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में आपको इजीली दिखेगा, जैसे मैंने 15 मिनट का चार्ट पैटर्न ओपन किया है, आप एक घंटा का लगा सकते हो, ठीक है, 30 मिनट का लगा सकते हो, या डेली चार्ट लगा सकते हो। आप लोगों को दिखेगी वन साइडेड तेजी तो डेफिनेटली उसको है ना बाय करके चलिए, और उसमें आराम से आप स्विंग ट्रेड भी ले सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम आप लोगों को लेवल प्रोवाइड कर देता हूं। तो दोस्तों लेवल्स को नोट डाउन करिएगा प्रॉपर तरीके से, आप लोगों को अपडेट कर रहे हैं। तो कल की डेट में जब आप अगर स्टॉक को बाय करेंगे दोस्तों तो लगभग आप बाय करना 3440 रुपये के लेवल से, थोड़ा हम दूर बाय करें कि स्टॉक में हम पोजीशन बना सके अगर स्टॉक गैप अप ओपनिंग भी लेता है। टारगेट की अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग 3460 रुपये का टारगेट लीजिएगा 20 पॉइंट का, जो अपने को ईजिली तरीके से मिल जाएगा। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप स्टॉक, एंजल ब्रोकिंग और एलआईएस ब्लू का डीमेट अकाउंट का लिंक दिया है, वहाँ पर जाइएगा, फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करिएगा, और हमारे साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन में भरपूर ट्रेडिंग करेगा दोस्तों हमारे प्रीमियम टेलीग्राम में ऐड होके, ठीक है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में ही दोस्तों आप लोगों के लिए टेलीग्राम का लिंक भी दिया, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों आप लोगों को निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन के लेवल दिए जाते हैं एक एक रोज, ठीक है। और आप लोगों को मैं बता देता हूँ एसएल, तो एसएल की अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तों आप एसएल भी रखिएगा दोस्तों लगभग 3420 रुपये का, मतलब दोस्तों स्टॉक थोड़ा वोलेटाइल है, ठीक है। तो 3420 का एसएल है, 3460 रुपये का टारगेट है, और 3440 रुपये का स्टॉक को बाइंग पोजीशन है, ठीक है। मतलब 20 रुपये का एसएल और 20 रुपये का ही टारगेट भी। अपोलो और जस्ट डायल दोनों को दोस्तों बाय करके चलना है कल की डेट के लिए, दो बेहतरीन आप लोगों के लिए टिप है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं, इस वीडियो को क्लोज करते हैं। वीडियो को क्लोज करते समय यही बोलेंगे, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि डेली बेसिस पर हम इंट्राडे की टिप्स एंड मार्केट अपडेट आप लोगों तक लाते रहते हैं। थैंक यू दोस्तों।